दोस्तों कोच राहुल द्रविड़ ने घोषित करी T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए भारतीय टीम की 15 सदस्यीय टीम। दिनेश कार्तिक, उमरान मलिक सहित 7 दिग्गज खिलाड़ी हुए शामिल। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रिकेट देखो जी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2022 कब खेला जाएगा। इस T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए भारतीय टीम के 15 सदस्यीय टीम कौन से होने वाली है, राहुल द्रविड़ ने कौन कौन से खिलाड़ियों को लेने की बात कह दी है, पूरी खबर विस्तार से आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हो, चाहते हो कि इस बार का T20 वर्ल्ड कप भारतीय टीम जीते, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2022 की शुरुआत 16 अक्टूबर 2022 से होने वाली है। T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश जैसे खतरनाक टीमों से भिड़ने वाली है। भारतीय टीम का पहला ही मुकाबला 23 अक्टूबर 2022 को T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से होने जा रहा है। यह मैच ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्टेडियम में खेला जाने वाला है। T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए भारतीय टीम पूरी तरह से तैयारी करते हुए नजर आ रही है और लगातार T20 सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रही है। हाल ही में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज खेली थी, जिसमें भारतीय टीम ने उस T20 सीरीज को 2-2 से बराबर कर लिया था। दिग्गज खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में भी भारतीय टीम ने उतना बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया था। ऐसे में इस बार T20 वर्ल्ड कप 2022 के विजेता के तौर पर भारतीय टीम को प्रबल दावेदार के रूप में माना जा रहा है। पिछले साल 2021 में भी T20 वर्ल्ड कप खेला गया था। उस T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम बुरी तरह से बाहर हो गई थी। भारतीय टीम सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन इस बार T20 वर्ल्ड कप में हमें कई सारे युवा खिलाड़ियों की एंट्री होते हुए नजर आएगी, जिसकी वजह से भारतीय टीम एक नए स्क्वाड के साथ इस बार T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए मैदान पर उतरेगी। भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने हाल ही में इंटरव्यू के दौरान भारतीय टीम के 15 सदस्यीय टीम का स्क्वाड का थोड़ा सा हिंट भी दे दिया है। आखिर द्रविड़ के मुताबिक भारतीय टीम की 15 सदस्यीय टीम किस तरह से रहने वाली है, तो चलिए पूरे विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो भारतीय टीम में कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा का मुकाम तो लगभग तय है, क्योंकि रोहित शर्मा भारतीय टीम की तरफ से काफी लंबे समय से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। रोहित शर्मा ने T20 क्रिकेट में भी सबसे अधिक शतक लगाए हैं, साथ ही में भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए भी रोहित शर्मा ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है। तो इस बार रोहित शर्मा से सभी भारतीय क्रिकेट फैंस इस बार T20 वर्ल्ड कप जिताने की उम्मीद करेंगे। इसके अलावा 5 बेहतरीन बल्लेबाजों को मौका दिया जाएगा, जिसमें सबसे पहले तो दूसरे बल्लेबाज के तौर पर KL राहुल खेलते हुए नजर आ सकते हैं। KL राहुल भारतीय टीम की तरफ से उपकप्तान की भूमिका भी निभाते हुए नजर आएंगे। KL राहुल को भी T20 क्रिकेट का काफी खतरनाक खिलाड़ी माना जाता है और हाल ही में हुए IPL में भी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया था। इसके अलावा विराट कोहली की जगह तो लगभग तय है। विराट कोहली भी मध्यक्रम में काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन विराट कोहली काफी खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि T20 वर्ल्ड कप तक विराट कोहली का फॉर्म वापस आए। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव को भी शामिल किया जाएगा, जो कि मध्यक्रम के एक बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। सूर्य कुमार यादव काफी आक्रामक बल्लेबाजी भी करते हैं और तेजी से स्कोर कार्ड को बढ़ाने की ताकत रखते हैं। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा ईशान किशन को भी बैकअप ओपनर के तौर पर खिलाया जाएगा। ईशान किशन भी हाल ही में खेले गए T20 सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आए थे और सीरीज में सबसे अधिक रन बनाए थे, जिसकी वजह से उनकी जगह तो लगभग तय है। तो वहीं पर दिनेश कार्तिक को भी मौका दिया जाएगा, जो कि भारतीय टीम की तरफ से फिनिशर की भूमिका निभाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, दिनेश कार्तिक का काफी लंबे समय के बाद भारतीय टीम में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी भी हो चुकी है। दिनेश कार्तिक को भारतीय टीम एक फिनिशर के तौर पर मैदान पर उतार रही है, उन्हें प्लेइंग 11 में मौका दे रही है और हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी दिनेश कार्तिक ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, तो उनकी जगह तो लगभग तय है। इसके अलावा ऑलराउंडर खिलाड़ियों के तौर पर भारतीय टीम में 2 बेहतरीन ऑलराउंडर खेलते हुए नजर आएंगे, जिसमें सबसे पहले तो हार्दिक पांड्या की जगह तो लगभग तय होगी। हार्दिक पांड्या की बात की जाए तो बल्लेबाजी से तो हार्दिक पांड्या काफी बेहतरीन प्रदर्शन में नजर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, हाल ही में IPL में हार्दिक पांड्या ने बल्ले और गेंद के साथ अपना कमाल दिखाया था। साथ ही में हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में भी हार्दिक ने बल्लेबाजी से काफी बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया था। हालांकि हार्दिक को अपनी गेंदबाजी में थोड़ा सा सुधार करना होगा, लेकिन हार्दिक पांड्या एक ऑलराउंडर के तौर पर भारतीय टीम में जरूर शामिल होंगे। तो वहीं पर दोस्तों
दोस्तों दूसरे ऑलराउंडर के तौर पर रविंद्र जडेजा को मौका दिया जाएगा। जडेजा भी बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी करके दिखाते हैं, साथ ही में फिनिशर की भूमिका भी निभा सकते हैं। बड़े हिट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि जडेजा की वापसी भी शानदार हो। इसके अलावा स्पिनर गेंदबाज के तौर पर भारतीय टीम में कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल को मौका दिया जाएगा। जहां युजवेंद्र चहल की बात की जाए तो हाल ही में खेले गए आईपीएल में चहल ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का दम दिखाया, जिसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी वापसी कर ली और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी वह काफी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं पर कुलदीप यादव को भी भारतीय टीम में शामिल किया जाएगा। कुलदीप यादव भी आईपीएल में काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नजर आए थे और अपने लय को भी हासिल कर लिए थे। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि यह दोनों ही यानी कि कुलचा की जोड़ी भारतीय टीम की तरफ से शानदार स्पिन गेंदबाजी करे। इसके अलावा तेज गेंदबाज के तौर पर भारतीय टीम में 5 गेंदबाजों को शामिल किया जाएगा। सबसे पहले तो मुख्य गेंदबाज के तौर पर जसप्रीत बुमराह खेलते हुए नजर आएंगे। बुमराह की बात की जाए तो भारतीय टीम के तीनों ही फॉर्मेट में भारतीय टीम की तरफ से बुमराह काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। हालांकि इनका भी अभी फिलहाल में फॉर्म तो कुछ खास नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अपने फॉर्म में जल्द ही लौट आए। तो वहीं पर दोस्तों दूसरे तेज गेंदबाज के तौर पर हर्षल पटेल को मौका दिया जाएगा। हर्षल पटेल की बात की जाए तो हाल ही में खेले गए T20 सीरीज में हर्षल पटेल ने 4 मैचेस में 7 विकेट हासिल किए थे और साथ ही में आईपीएल में भी वह लगातार अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हर्षल पटेल की जगह तो लगभग तय है। तो वहीं पर दोस्तों नंबर 3 पर यानी कि तीसरे गेंदबाज के तौर पर उमरान मलिक को मौका दिया जा सकता है। उमरान मलिक भी अपनी बेहतरीन तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि T20 वर्ल्ड कप में अभी बहुत समय बचा हुआ है, उससे पहले उमरान मलिक को बीसीसीआई पूरी तरह से तैयार कर रही है और हाल ही में दोस्तों उनका डेब्यू भी हमें देखने को मिल सकता है। वहीं चौथे गेंदबाज के तौर पर अर्शदीप सिंह को मौका मिल सकता है। हालांकि अर्शदीप सिंह का भी अभी तक भारतीय टीम की तरफ से डेब्यू देखने को नहीं मिला है, लेकिन दोस्तों आईपीएल में यह बेहतरीन गेंदबाज लगातार अपनी बेहतरीन गेंदबाजी दिखाता आ रहा है। मध्य क्रम में अर्शदीप सिंह काफी इकोनॉमिकल गेंदबाजी करते हैं, तो ऐसे गेंदबाज की भारतीय टीम को सख्त जरूरत है। तो वहीं पर पांचवें गेंदबाज के तौर पर भुवनेश्वर कुमार को शामिल किया जा सकता है, जो कि एक अनुभवी गेंदबाज हैं। और दोस्तों हाल ही में खेले गए साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में भी भुवनेश्वर कुमार ने काफी बेहतरीन गेंदबाजी की थी। जी हां दोस्तों, कुछ इस तरह से भारतीय टीम का 15 सदस्यीय स्क्वाड हो सकता है, जहां दोस्तों ऋषभ पंत को बाहर किया जा सकता है, श्रेयस अय्यर को बाहर किया जा सकता है, क्योंकि हाल ही में इंटरव्यू किया गया था जिसके दौरान सौरव गांगुली उनसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। और साथ ही में राहुल द्रविड़ भी ऐसे खिलाड़ियों को अपने स्क्वाड में लेना चाहेंगे जो कि बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने आप को खुद को एक बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर साबित कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे में आपको क्या लगता है, स्क्वाड के बारे में आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, ऋषभ पंत श्रेयस अय्यर को भी लेकर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कॉमेंट करके जरूर दें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।